जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत प्राचीन काल विश्व गुरु था, उसी कहावत को चर्चा करते हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने सन 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव पारित करवाया और 2015 से लगातार ये विश्व योग दिवस सारे संसार में मनाया जा रहा है। बहुत खुशी का विषय है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि भारत वास्तव में विश्व गुरु बन गया और वे विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए अनूठी पहल थी और 2015 से लेकर के लगातार ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। इस पर यह अजमेर जिला मुख्यालय पर यह मुख्य समारोह आयोजित किया गया था। यहाँ पर कलेक्टर साहब, एडिशनल डिविजनल कमिश्नर, ADM साहब और समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण और समस्त सरकारी विभाग अधिकारीगण और जो हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर साहब जो हैं विनायक शर्मा साहब, उन्होंने इस आयोजन को किया है और पतंजलि योग समिति और भारत स्वामी गौरव ट्रस्ट उनके द्वारा यह कार्यक्रम संचालित किया गया था। उनको मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ और समाज जनता से अपील करता हूँ कि वास्तव में योग से शरीर स्वस्थ रहता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है और खुश का मतलब क्या है कि आपके जीवन में शांति रहती है और विश्व मंदिर और विश्व कल्याण की भावना रहती है। और आज के इस भागा दौड़ी के युग में, तनाव के युग के अंदर इस दिवस का बहुत महत्व है। सारी जनता से मिले अपील है, प्रतिदिन ये काम प्रतिदिन योग करें और ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे। धन्यवाद। देखिए, योग दिवस पर यही संदेश के इस बार योगा फॉर हेल्थ एंड पीस के लिए था। तो इस कोविड के बाद हेल्थ भी बहुत ज़रूरी थी, शांति भी बहुत ज़रूरी थी। इसी को लेकर ये 2 साल बाद में जो आयोजन हुआ, लोगों में काफ़ी उत्साह है। जगह जगह योग के आयोजन हो रहे हैं, जिला स्तर का यहाँ पर आयोजन हुआ है और पूरा प्रशासनिक महकमा हमारा इसमें उनका सहयोग रहा, उन्होंने यहाँ पर योग किया है। और ये चाहते हैं कि इस योग की जो आज इस मसाल को लेकर वो जाएं, तो आगे कंटिन्यू इसको रखें, एक दिन का इसको योग मानकर नहीं छोड़ें और आगे भी इसको कंटिन्यू करते रहें। और घर पर जब भी, जहाँ पर भी, हमारे यहाँ पर जितनी भी योग क्लासें चलती हैं उनमें आप जाइए, घर पर कीजिए, लेकिन योग को निरंतर रखिए। योग सभी के लिए, योग एक तरह से कहिए अपने आप में इन्वेस्टमेंट है, किसी दूसरे के लिए नहीं, ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, इसको निरंतर करते रहना चाहिए। ये भी चलते काफ़ी, देखिए इसके योग की जब अपन बात करते हैं तो ये देखिए कि कोई अगर किसी आदि व्याधि से ग्रस्त हैं तो उनकी बात छोड़ दीजिए, बाकी योग के जितने फायदे हैं जितने गिनाए जाए उतने कम हैं। और जो भी निरंतर इससे काफ़ी लोगों को काफ़ी राहत मिली है और आगे भी अगर उसको करते रहें, योग के लिए आप किसी भी स्थिति में किसी भी पोजीशन में कर सकते हो, हर तरीके से इसके लाभ ही लाभ हैं, हानि की दृष्टि से अपन जा ही नहीं सकते हैं। डॉक्टर नेमीचंद तंबोली, भारत स्वाभिमान पत्र।